हाय दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आप सभी का अपने चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि SSC MTS का GK का आंसर की हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ सेट करवा चुके हैं। तो कृपया कर जिन्होंने अभी तक पिछला सेट नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट में जाकर पहले पुराना वीडियो देख लें। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17- से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपशिष्टता का उन्मूलन, मतलब छुआछूत का अंत से अनुच्छेद 17 संबंधित है। अब देखते हैं और ऑप्शन जो हैं इनके बारे में भी जानते हैं। शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? 21A से शिक्षा का अधिकार संबंधित है। कानून के समक्ष समानता किससे है? आर्टिकल 14 से। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 से। ठीक, अब अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं जिसको 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग कौन कौन से हैं वो आप लोग कमेंट में लिखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है। तो सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक, अब लिंगानुपात के बारे में जान गए कि सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। अब जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर राज्य भी केरल है और न्यूनतम सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार, 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब इसी CSL के एग्जाम में पूछे थे कि NOS की रिपोर्ट के अनुसार, NOS के रिपोर्ट के अनुसार सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो NOS के रिपोर्ट के अनुसार साक्षर राज्य केरल है और सबसे कम साक्षर राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर केरल और सबसे कम साक्षर बिहार, NOS की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक साक्षर केरल, सबसे कम साक्षर आंध्र प्रदेश। तो कन्फ्यूजन ना रहे, आप लोग ध्यान दीजिएगा NOS और 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM अधिनियम 2003 में F का क्या अर्थ है? तो पहले हम जानेंगे कि FRBM का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म FRBM का फुल फॉर्म क्या है? फिक्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। F से फिक्सल, R से रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसके बाद एंड B से बजट, M से मैनेजमेंट। तो F से क्या हो गया? फिक्सल। इसका सही उत्तर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ग्वेलेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर डैश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो ग्वेलेनीकरण क्या है? ग्वेलेनीकरण स्टील या लोहे पर एक जस्ता की परत लगाने की प्रक्रिया है। स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता की परत चढ़ाते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जस्ता। सही उत्तर पहला ऑप्शन जस्ता हो जाएगा, मतलब जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है, इसे ग्वेलेनीकरण कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था? तो चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। ये जो चांदी का टका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलाया था। अब एक क्वेश्चन बनता है, सोने का टका कौन चलाया था? तो सोने का टका बलबन चलाया था, बलबन। सोने का टका
बलबन चलाया था और चांदी का टका और तांबे का जीता इल्तुतमिश चलाया था। इससे इसका सही उत्तर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें शुद्ध अरबी सिक्का शुरू करने वाला पहला शासक था, इल्तुतमिश जो था वो शुद्ध अरबी सिक्का शुरू करने वाला पहला शासक था। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिली। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वकार कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वकार कप किससे? गोल्फ से है। हम इसका एक मतलब खेलों से संबंधित एक स्पेशल वीडियो डाल देंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो स्पेशल वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो गोल्फ वकार से गोल्फ से संबंधित है। अब देखते हैं हॉकी से क्या संबंधित है। हॉकी से इंदिरा कप है, आगा खा कप है, ठीक। फुटबॉल से क्या क्या है? फुटबॉल से है डूरंड ट्रॉफी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि फुटबॉल से डूरंड ट्रॉफी संबंधित है। और क्रिकेट से क्या क्या है? एस एज ट्रॉफी, झांसी रानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से है। अब शतरंज से बहुत इम्पोर्टेंट है हवाई ट्रॉफी किससे है? शतरंज से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? तो विटामिन ए जो है हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो विटामिन ए, अब विटामिन ए से कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी। विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिक्टेस जिसे सूखा रोग कहते हैं। इतना इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह, ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक ग्रह एक बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सब आंतरिक ग्रह में आते हैं। और बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मतलब शुरुआत के चार ग्रह आंतरिक ग्रह और बाद के चार ग्रह बाह्य ग्रह आते हैं। तो जो बाह्य ग्रह होते हैं उन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं। जोवियन ग्रह, बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं। इस जोवियन ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये तो चार ग्रह हो जाते हैं, लेकिन बुध जो है ये आंतरिक ग्रह में आता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध। अब मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। ए एसएससी के सीजीएल में साधारण है क्वेश्चन कि मंगल और बृहस्पति के बीच कौन से ग्रह पाए जाते हैं? शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास अग्रणी उत्पादक है? तो कपास अग्रणी कौन सा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना। कपास के मामले में गुजरात सबसे ऊपर है, तो पहले नंबर पे गुजरात, इसका सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ और फसलों के जो राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादित करते हैं, जैसे चावल उत्पादन। चावल उत्पादन भारत में किस राज्य में सर्वाधिक होता है? पश्चिम बंगाल में। कपास तो गुजरात में हो गया, चावल पश्चिम बंगाल में हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है चाय। चाय किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादित होता है? असम में चाय और अदरक। चाय और अदरक के मामले में असम नंबर वन पे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह सीरीज CPO, SSC, MTS, SSC, CGL, CSL सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कृपया कर आप लोगों में जिनके भी दोस्त SSC के की तैयारी कर रहे हों उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए। भारतीय रेलवे की वर्ष डैश तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने की योजना कब तक है? तो 2030 तक जो है भारतीय रेलवे की शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने की योजना है, तो इसका सही उत्तर तीसरा ऑप्शन 2030 हो जाएगा। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिन तक कार्यभार संभालने के बाद
20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दिया था। तो 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा किसने दिया था? लीज ट्रेस ने दिया था। ये बोरिस जॉनसन इस्तीफा देने के बाद लीज ट्रेस बनी थी और 44 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो फिर उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने ब्रिटेन के? ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बाद में बने थे। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि लीज ट्रेस हो जाएगा। इसका सही उत्तर दूसरा ऑप्शन लीज ट्रेस हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के नगर निगमों को एक इकाई के एकीकृत करना, जिसे तालमेल की रणनीति योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। इसका डैश के स्थान पर कौन सा आएगा? 2022 के उद्देश्य दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक इकाई के एकीकृत करना है। तो 3 नगर निगम को इकट्ठा करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 में की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली के जिले की साक्षरता दर कितनी थी? तो नई दिल्ली के जो जिला था उसका साक्षरता दर 88.1% था। ठीक, अब देखिए वर्ष 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कौन किया था? एनी बेसेंट ने किया था। ये सबसे पहले एक महिला ने की थी कि एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917। उसके बाद सूरत अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था? सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष द्वारा 1907 में किया गया था। कानपुर अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था? सरोजनी नायडू द्वारा 1925 में किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1917 एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। अब चलते हैं, और एक इसमें इम्पोर्टेंट है कि 1924 में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र किया जाने वाला अधिवेशन 1924 बेलगांव का अधिवेशन। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है कि 1924 में बेलगांव का अधिवेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? अब शास्त्रीय नृत्य से हर एक सेट में ज़रूर एक क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हम शास्त्रीय नृत्य पे एक वीडियो बनाए हैं। तो कृपया कर आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अब देखते हैं, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के होते हैं और भाषाएं 6 प्रकार की होती हैं। अब देखते हैं, कथक जो है उत्तर भारत का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। इसका सही उत्तर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अब कथक उत्तर भारत का, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं, मणिपुर के मणिपुरी, उड़ीसा के उड़ीसी, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी, असम के शास्त्रीया। इतने 8 नृत्य हो गए, 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। पहला कथक उत्तर भारत, दूसरा भरतनाट्यम तमिलनाडु, तीसरा कथकली केरल, चौथा मोहिनीअट्टम केरल, पांचवा मणिपुरी मणिपुर, छठवां ओडिसी ओडिशा, सातवां कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आठवां शास्त्रीय असम। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? अवनी लेखरा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिला था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस तत्व का उपयोग इसके आद्रता ग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है?
ग्लिसराल का ग्लिसराल का उपयोग किया जाता है मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन बनाने में। इसका सही ऑप्शन पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का क्या नाम है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसकी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और अब देखिए, वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीजा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। द रेस ऑफ माई लाइफ, पिछले वीडियो में हम बताया था कि एक क्वेश्चन आया भी था, आप जिन्होंने देखा है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला वीडियो जाके ज़रूर से ज़रूर देख लें। द रेस ऑफ माई लाइफ, उसमें भी कई कवि का नाम हम बताए थे। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? मिल्खा सिंह की। वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी है? नटवर सिंह की है। वन लाइफ इज नॉट इनफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? अब मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव कौन सा है? नोंग क्रोम उत्सव। इसका सही ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, नोंग क्रोम उत्सव। हार्निबल कहाँ का है? नागालैंड का। चाप चार कूट कहाँ का है? चाप चार कूट मिजोरम का है। और सनबर्न उत्सव, सनबर्न उत्सव जो है गोवा का है। तो इसका सही ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हो जाए, नोंग क्रोम उत्सव, ये मेघालय का है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस गुरु को वर्ष 1988 में पद्म भूषण मिला था? कुचिपुड़ी में किसको मिला था? गुरु बेपित चिन्ना सत्यम को। कुचिपुड़ी भी बताया कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो एक गुरु बेपित चिन्ना सत्यम जो है वो उसी के नृतक हैं, शास्त्रीय कुचिपुड़ी के नृतक हैं। अब देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, गुरु बेपित चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी के डांसर हैं, ठीक। अब देखिए, गुरु विपिन सिंह किसके हैं? गुरु विपिन सिंह मणिपुरी के हैं, मणिपुर जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। केलुचरण महापात्र, एक क्वेश्चन सीजीएल में आया था, केलुचरण महापात्र किसके डांसर हैं? उड़ीसी के डांसर हैं, उड़ीसी नृत्य के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, ठीक। अब 2.4% भौगोलिक क्षेत्र का है तो जनसंख्या का कितना है? जनसंख्या का है 17.7%। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% भारत की जनसंख्या है। एक क्वेश्चन आया था अब की बार एमटीएस में, तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि 17.7 अगले एग्जाम में आ जाए किसी के, कि भारत का जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? 17.7% है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। इसका सही ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मनुष्य के आरंभिक विकास और प्रैग ऐतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाता है? तो पुरापाषाण युग के नाम से जाना जाता है आरंभिक विकास को, ठीक। पुरापाषाण युग सही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। तो पंडित शिव कुमार शर्मा काहे के संतूर वादक थे, ठीक। पंडित शिव कुमार शर्मा भजन सुपारी संतूर वादक थे। हमने जितने भी सिट कराए हैं सभी में एक क्वेश्चन संगीतकार से आता ही आता है। आप लोगों ने जिन्होंने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा वो कृपया कर प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख लें, उसमें हर एक सेट में एक क्वेश्चन पक्का रहता है कि इससे रहे। अब देखते हैं, सितार वादक कौन से हैं? सितार वादक पंडित रवि शंकर, इलियास खान। इलियास खान के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे
कि इलियास खान का क्वेश्चन पिछले वीडियो में आया था कि इलियास खान किस वादक से संबंधित है। इलियास खान सितार वादक से संबंधित है। संतूर वादक में शिव कुमार शर्मा भजन सुपारी, सितार वादक में पंडित रविशंकर, इलियास खान बंदे हसन विलायत खान। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसका भी एक वीडियो हम बना देंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो वीडियो जल्द ही आपके पास आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, स्वराज पार्टी 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। 1922 में जो स्वराज पार्टी बनी थी उसके अध्यक्ष थे चित्रंजन दास। ठीक, जिन्हें सी आर दास भी, कहीं कहीं ऑप्शंस में सी आर दास भी लिखा रहता है, सी आर दास। अब चित्रंजन दास हैं। अब देखिए, अध्यक्ष 1922 के गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्रंजन दास या सी आर दास हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका उत्तर SSC ने गलत दिया है। ठीक, तो पटद्दकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था। तो जो जैन मंदिर का निर्माण हुआ था वो चालुक्य वंश द्वारा कराया गया था। इसका सही ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, चालुक्य वंश, लेकिन SSC ने चौथा ऑप्शन दिया है राष्ट्रकूट वंश। ए SSC द्वारा मतलब गलत दिया गया है, चालुक्य कराया था, चालुक्य वंश द्वारा करवाया गया था जैन मंदिर का निर्माण। अब देखिए, अब चोल वंश के से क्या है, तंजावुर का जो वृद्धेश्वर मंदिर है उसे चोल शासक द्वारा बनवाया गया था, चोल वंश द्वारा करवाया गया था तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर। और राष्ट्रकूट एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट वंश का वंश द्वारा निर्माण कराया गया था। 25 क्वेश्चन हो गए। कृपया कर जिन्होंने वीडियो अंत तक देखा है वह वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को अभी तक जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें। धन्यवाद।